चैनल के माध्यम से राजनीतिक वाद विवाद को लेकर चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज हमारे चर्चा के दौरान बक्सर संसदीय क्षेत्र से मजदूरों की लड़ाई, खेत खलिहान मजदूरों की लड़ाई को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले और चर्चित मजदूर और क्रांतिकारी नेता और बक्सर के भूतपूर्व सांसद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे आदरणीय तेज नारायण सिंह से बातचीत करेंगे। हम जानेंगे कि भारतीय राजनीति के इस सिलसिले के दौरान बक्सर जो कभी ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं का गढ़ माना जाता था और अक्सर लोग कहा करते थे कि यहाँ ब्राह्मण मतदाता सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ का जो एमपी हो ब्राह्मण ही होगा, लेकिन यह मिथक को तोड़ते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इनके ही नेतृत्व में देश की सबसे बड़ी सदन में पहुंचने का काम किया और हम इसे जानेंगे आज इनकी बेबाक राय। हाँ सर, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल में और हम आपका एहतराम करते हैं कि आप कुछ अपनी राजनीतिक बेबाक बातचीत आपसे करेंगे। विधानसभा चुनाव सामने है और आपके पुराने अनुभव को साझा करेंगे कि कैसी रही पहले की राजनीति और आज की राजनीति। आपका स्वागत है। पहले की राजनीति में और आज के राजनीति बहुत अंतर। हम लोग कितना काम करते थे जनता के बीच में जाते, आज वह काम समाप्त। जब मैं शुरू किया राजनीति उस समय हम लोग अपने नेता सूरज प्रसाद थे, वो कहते थे कि राजनीति गांव में है, गांव में उनके आदेश के मुताबिक, साथ ही सत्यनारायण प्रसाद के आदेश के मुताबिक हम लोग गांव में जाते थे और गांव में लोगों की उपस्थिति, लोगों की समस्या की जानकारी करते थे और उसके लिए संघर्ष करते थे। आज वो अच्छी समाज आज दूसरे तरह की राजनीति। गांव में तो कोई नेता आ जाने का नाम ही नहीं लेता, हम लोग पैदल जाते थे, आज कोई पैदल जाने के लिए तैयार नहीं। अगर पैदल भी जाए चाहे गाड़ी से भी जाए तो आज भी जनता की समस्या है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बदल गई आखिर वह काम आज नहीं हो रहा है। मेरे साथ भी तो कोशिश करता है आज भी आखिर गांव में जाए तो पैदल अधिक चले कि जनता से मुलाकात हो। आज भी जनता से मुलाकात होती है तो लोग बोलते बाकी हम लोग की अलग समस्या है, राशन की समस्या, बिजली की समस्या वगैरह वगैरह समस्या की बात बोलते हैं, हदबंदी से फाजिल जमीन की समस्या, जमीन बंदोबस्ती की समस्या, हम लोग को अगर रहने के लिए घर नहीं इसकी समस्या, तमाम बात बोलते हैं। लेकिन ईमानदारी की बात है कि जितना उनके लिए पहले हम लोग रहते थे आज उसके लिए नहीं रहते। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मजदूरों की खेतरों की बात करती थी, आखिर बक्सर में सूरज बाबू के जमाने से लेकर धीरे धीरे कहें कि ग्राफ जहाँ उन्हें बढ़ता गया कम्युनिस्ट पार्टी का और आप उन ये 89 से लेकर 91 तक भारतीय लोकतंत्र जो उस बड़े सदन के सदस्य बने, उस समय आप मजदूरों की ताकत को समझते हुए पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता प्रोफेसर के तिवारी को किस ताकत से हरा पाए थे? देखिए, हम लोगों ने जो यहाँ हराया वह जनता के ताकत के बल पर है। कोई पैसा रुपया का बल हम लोगों के पास नहीं था, हम लोग को केवल जनता का जो आता था उसे खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम और गाड़ी मात्र नाम की चीज़ थी। मैं चलता था और एक दो चाचा चलता था, लेकिन जनता पैदल चल के काम करती थी और जनता ने सफलता पाई। जनता में आज भी कोई गड़बड़ी नहीं, जनता में आज भी कोई गड़बड़ी नहीं, जनता जो लड़ता है उसकी आज भी मत करने के लिए जनता तैयार है। लेकिन अब जमाना इतना बदल गया है कि जनता के लिए लड़ने के लिए मुस्तैद होकर कोई तैयार नहीं।
मैं अब फ्रेंकली बात कहता हूँ, उससे कोई छिप के कहने का सवाल नहीं। एक आंदोलन थोड़ा सा शुरू हुआ और वो आंदोलन इतना विकराल रूप पकड़ लिया कि उसका चर्चा सब जगह होने लगा। फिर आंदोलन बंद हो गया। हम लोग कोशिश करते हैं कि आंदोलन को आगे बढ़ाएं, लेकिन जितना धारदार आंदोलन उस समय होता था आज उतना धारदार आंदोलन नहीं होता। देखिए, आप यह नहीं मानते हैं कि इस धारदार आंदोलन को खुद करने में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने वजूद को दूसरी बड़ी पार्टियों के पिछलगु बन के कर दी है? ना, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भी बात रहती तो मैं बता देता, उसी बात नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हम लोग हैं लड़ने वाले, जितना लड़ना चाहिए हम लोग जनता के सवाल पर आज नहीं लड़ रहे। मैं इस जिला की बात बोल रहा हूँ, नहीं लड़ रहे। अगर हम लोग आज भी आंदोलन शुरू कर दें तो कम्युनिस्ट पार्टी वहीं पर है जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन आज भी हम लोग उस आंदोलन को उतना धारदार नहीं बना रहे। हमारे दल में है साथी केदार सिंह, जो जिला परिषद के मेंबर हैं। वो बेचारे अब जहाँ ब्रह्मपुर में हैं, रात दिन मजदूर किसान के लिए लड़ते रहते हैं, बैठते नहीं। लेकिन उतना लड़ने वाला दूसरा आदमी अगर इस जिला में होता दो चार पाँच आदमी, तो धारदार आंदोलन हो सकता। ये देखा जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भाकपा माले आई, उसके बाद कहेंगे CPM आई, CPM की भी इस बक्सर में लगातार प्रतिनिधित्व करते थे कॉमरेड मंजू प्रकाश। और अब ये लगता है कि मजदूरों के सवाल को शायद कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से उठा नहीं पाती है, जो वामपंथ के लोग हैं, और ये वजह कि मजदूरों का आपसे कटना और दूसरी पार्टियों की ओर उनका झुकाव हो जाना, राजद की ओर, जदयू की ओर। ऐसी बात नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी का जितना पुराना मेंबर अभी आज तक है वो सब कम्युनिस्ट पार्टी के। आज भी वो लोग पूछते हैं, आके बक्सर पूछते हैं, हम लोग को कौन सीट मिला, हमेशा पूछते लोग रहते हैं। या उनके सामने अगर गंभीर समस्या होती है तो आज भी वो लोग हमारे यहाँ आते हैं, चाहे केदार के यहाँ आते हैं, चाहे ओझा जी के यहाँ जाते हैं, चाहे जिला सेक्रेटरी हमारे उनके यहाँ जाते हैं। मैंने आज भी कोई दूसरे जगह नहीं जाता, सब कोई कम्युनिस्ट पार्टी में ही है, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जब करता है। माले से समझौता है वो दूसरी बात है, लेकिन यह नहीं है कि CPI का कोई भी मेंबर दूसरे दल में चला गया। नहीं, हमारा कहना है कि आपके वोट का बिखराव इस कदर हुआ कि जो आपके वोटर जी जी हाँ वोट का ग्राफ घटने वाली बात जो कहते हैं आप, वो ठीक आप कहते हैं, क्योंकि यहाँ तो समझौता में कोई एक बार सीट दूसरे के यहाँ चला गया, इसके चलते दिक्कत हुई हम लोगों को, तो वोट इधर उधर हुआ। लेकिन आज जो परिस्थिति है महागठबंधन का, महागठबंधन में हम लोग आए और आज हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग महागठबंधन के साथ हैं। हमारे पार्टी के लोगों ने डिमांड किया है कि हमको इस जिला में सीट दिया जाए, और सभी लोग मांगते हैं कि हमको सीट यहाँ मिल जाए। लेकिन सीट अगर मिल गया तो चाहे जो भी क्षेत्र में मिलेगा सीट, उतना ही मुस्तैदी से काम होगा जितना मुस्तैदी से पहले होता था। और हम लोग को यह भी नहीं है कि कोई यह है कहता कि सीट नहीं मिलेगा तो हम काम नहीं। सीट अगर नहीं भी मिलेगा तो महागठबंधन के साथ हम लोग रहेंगे और हम लोग जी जान से मेहनत करेंगे ताकि विरोधी दल जो भाजपा का ग्रुप है वह चुनाव यहाँ से नहीं। हम लोग का मुख्य एजेंडा है सीट नहीं, हम लोग का मुख्य एजेंडा है भाजपा को सत्ता से हटाना। तमाम लेफ्ट के लोगों की मीटिंग है और फैसला है भाजपा को हटाना है, सीट का सवाल नहीं, सीट कम मिले या अधिक जो मिलना है मिले, मुख्य एजेंडा है भाजपा को सत्ता से हटाना। लेकिन एक सवाल और है कि आप हमारे पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं और आपके जमाने में जो राजनीति की सूचिता होती थी लोग उसे बहुत गंभीरता से लेते थे, वर्तमान में जब से महागठबंधन में आपकी पार्टी शामिल हुई और महागठबंधन के ये बिहार में सरकार 15 साल तक रही, लालू यादव, राणी देवी और तेजस्वी प्रसाद, कभी भी जनता के सवालों को लेकर ये लोग आपकी पार्टी की तरह संवेदनशील नहीं रहे। और शायद यही कारण है कि लॉकडाउन के दौरान जितने बिहारी दहाड़ी मजदूर वापस लौटे पैदल चलकर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर, उनकी पूरी तरह से हाल भी जानने के लोगों ने प्रयास नहीं किया, उसकी पार्टी भी आपकी पार्टी चुप रही, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, जितने दूसरे राज्य में बिहार के मजदूर थे
उन लोगों को हम लोगों ने तो मदद किया, हम लोगों ने मदद किया और विरोधी दल के लोगों ने भी मदद किया। नीतीश बाबू का उनके खिलाफ स्टेटमेंट आया था और भाजपा के लोगों ने तो इतना तक किया कि लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ दिल्ली से जो लोग चले आए, जो श्रीमती ये आपका ये राहुल जी की जो बहन है मेनका गांधी प्रियंका गांधी वो जो बस का इंतजाम की थी उसको लोगों ने डिनाई कर दिया कि तुम्हारा बस जाने ही नहीं देगा। वो बेचारे ने तो इतना कहा कि आप अपना झंडा लगा लीजिए भाजपा का और भाजपा का पोस्टर टांग दीजिए, आदमी को तब पहुंचा दीजिए हमारे गाड़ी से, आप अपना प्रचार कीजिए, मेरा प्रचार मत कीजिए। लेकिन तभी उन्होंने नहीं सुना। लेकिन हमने तो ये देखा कांग्रेस हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे राजद के लोग हैं, चाहे सपा के लोग हैं, बहुजन के लोग, तमाम के तमाम लोग, जितने लोग बाहर से आए बिहार में, सब लोगों को आने में जितना मदद करना चाहिए उतना मदद किया, कोई पीछे नहीं हटा और कोई मतभेद भी लोगों में नहीं है। तो आखिर आप भाजपा को क्यों पीछे हटाना चाहते हैं, क्यों कहते हैं कि भाजपा कौन? भाजपा को तो इसलिए हम हटाना चाहते हैं कि भाजपा से देश कमजोर हो रहा, भाजपा से देश कमजोर हो रहा। आज आपकी आर्थिक स्थिति सबसे बदतर, जिसमें अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री देश के थे, भारत के चौहद्दी के तमाम मुल्कों से भारत को अच्छा संबंध था। आज नरेंद्र मोदी जी के जमाने में भारत के चौहद्दी के तमाम देशों से इनका कटुता, कोई संबंध नहीं, तमाम के तमाम देश इनका विरोध कर रहे हैं। भाजपा के ही अटल जी थे, कम नहीं दूसरा राज्य से करता था। अटल जी कहते थे मेरा पड़ोसी ठीक है तो मेरा देश ठीक है, मोदी जी कहते हैं कि मेरा पड़ोसी दुश्मन है तब हमारा देश ठीक है, दोनों में अंतर है। कहीं आपका ये कहीं ये बात आप इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि चाइना को लेकर जो रिश्ते तल्ख हैं और वो कम्युनिस्ट देश, इसलिए आप ये बात? ऐसी बात मैं नहीं कर रहा, मैं चाइना के लाइन का समर्थक नहीं, मैं देश का रक्षक हूँ, मैं देशभक्त हूँ, मैं देश की रक्षा चाहता हूँ। चाइना का जो एक्शन हो रहा है वो गलत है, उसका मैं उसका नहीं, लेकिन और जो जितने चीज़ें हैं वो इनका रास्ता ठीक नहीं है। जो रास्ता इनका होना चाहिए देश की रक्षा के लिए और देश को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, वो काम इनका ठीक नहीं है। अटल जी का जितना ठीक था उतना मोदी साहब का काम ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग इसका विरोधी है। बिहार विधानसभा चुनाव की बिगुल बज गई है और ये आपके संसदीय क्षेत्र में चार विधानसभा क्षेत्र आते हैं बक्सर जिले में, क्या लगता है कि ये चारों विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन की क्या स्थिति रहेगी, क्या हालात रहेंगे? देखिए इस चारों विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन की स्थिति बहुत ठीक रहेगी, चाहे किसी भी दल को सीट मिले। यहाँ जो लोग महागठबंधन में हैं, खास तौर से हम लेफ्ट के जितने लोग हैं, एक साथ महागठबंधन में मिल के काम करेंगे। सीट मिलना कहाँ किसको मिलेगा नहीं कहा जा सकता है, हमारी पार्टी के लोगों ने भी डिमांड किया है कि बक्सर जिला में हमको एक सीट मिलना चाहिए, देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलेगा तभी ठीक और नहीं मिलेगा तभी ठीक। हम महागठबंधन के साथ हैं और मैं उम्मीद करता हूँ महागठबंधन चारों सीट पर चुनाव जीतेगा, यहाँ से NDA का खाता नहीं खुलेगा, मुझे आत्मविश्वास है यह मैं आपसे पाना चाहता हूँ। कारण इसका यह कि आम जनता इस सरकार से नाखुश है, यही सरकार केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार। रिक्शा वाला बोलता है कि अब नेता लोग क्यों बाहर निकल रहे हैं, अब इनको कोरोना नहीं लगेगा क्या, बोलता है रिक्शा वाला, बोलता है टमटम वाला।